अम्मी का इंतकाल हो गया, कब्रस्तान हो जाएगा घर, महल रहेगा आपका 10 करोड़ का, लेकिन वो 10 करोड़ का घर भी कब्रस्तान हो जाएगा। उसकी जो खूबसूरती है ना, घर की जो रौनक है, वो पूरी रौनक चले जाएगी। जब है कोई कदर ही नहीं है, फ्री में मिले है ना, जब चले जाएंगे तब पता चलेगा। ईद आएगी पता चलेगा, अम्मी होती तो शेरखुरमा बनाती थी, सवैया बनाती थी, सुबह सुबह जो है रोटी बनाती थी। 8 बच्चे तो 8 बच्चे का नाम लेके, इसको ये चीज पसंद, इसको ये चीज पसंद, इसको पापड़ पसंद, इसको गोश्त पसंद, इसको दही पसंद, इसको अचार पसंद, नाम ले लेकर सबके अलग अलग खाने खिलाती थी। ये कब पता चलेगा? जब जाने के बाद। और जो लोग हयात में रिस्पेक्ट करते हैं वही लोग कामयाब भी होते हैं और अल्लाह की जो है बड़ी नजर होती है उनको। एक दफा तकलीफ में आपने माँ के पैर दबाए, वालिद के पैर दबाकर दुआ लिए, तो वालिद की जो दुआ होती ना, मुंह खोलकर बेटा तू कामयाब हो जा, नहीं, वालिद सोचता भी है ना, वो इंटरेक्शन है अल्लाह सुबहानहु तआला से। यू डू नॉट नीड टू मूव योर टंग टू इंटरेक्ट विथ योर अल्लाह सुबहानहु तआला। आप सोचते हैं, दैट पर्टिकुलर थॉट, वो थॉट ही कम्युनिकेशन है। जब जो दुआ निकलती है ना वालिद के सीने से, वो दुआ अर्श को हिला देती है और आपकी वो दुआ कबूल हो जाती है और इमीडिएट आपको कामयाबी नहीं मिलती है। वालिद के हयात में मिल जाए बड़े किस्मत वाले हैं आप, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद भी चैलेंज है, कामयाबी को छूना ही छूना है आपने। एक दफा कोई माँ की दुआ ले लिया है, वालिद की दुआ ले लिया है, उसने कामयाबी को छूना ही छूना है, ये मैं पूरे गारंटी से कह सकता हूं इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने वो मर्तबा रखा है वालिदैन का। कुरान में वालिदैन का जिक्र है और हम लोग वालिदैन के साथ में क्या बर्ताव करते हैं। आज हमें दोस्त बड़े अजीज नजर आते हैं, यार नजर आते हैं, लेकिन कोई दोस्त आपका हमेशा के लिए नहीं होता। आपके वालिदैन ने जो मेहनत की है ना डे वन से लेकर आज तक, और हमेशा आप पर ही इनकी नजर होती है, आपकी ही फिक्र होती है, और हम लोग कितना ईजी ले लेते हैं आपकी कामयाबी से। आप भले उतना खुश नहीं होते होंगे जितना आपके वालिदैन खुश होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर आप वालिदैन पे ही बहुत बोलते हैं, वो हमारी भी तो बात नहीं मानते हैं। नहीं, पहले आप उनकी बात माने, आपको भी जीने का राइट है। वो क्या चाहते हैं? वो आपका ही भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं आप फोन इस्तेमाल कम करें, तो आप फोन इस्तेमाल कम करें। फोन आप 18-18 घंटे इस्तेमाल करते हो, 18 घंटे आपकी दीवानगी किताबों में होनी चाहिए, इल्म को लेकर होनी चाहिए। हम फोनों में वक्त जाये कर रहे हैं, हम दोस्तों में वक्त जाये कर रहे हैं, हम जिना में वक्त जाये कर रहे हैं, गुनाह में हम मुलविस है। वालिदैन की बात सुने, एक दफा वालिदैन जब इंतकाल कर जाएंगे ना, अल्लाह बड़ी लंबी उम्र दें आपके वालिदैन को, जिनके भी वालिदैन बाहयात है। लेकिन थोड़ा सा तसव्वुर करें कि आज इंतकाल हो गया आपके अब्बू का, आप सोचेंगे कि मेरी तो दुनिया ही चले गई, अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास में। अम्मी का इंतकाल हो गया, कब्रस्तान हो जाएगा घर, महल रहेगा आपका 10 करोड़ का, लेकिन वो 10 करोड़ का घर भी कब्रस्तान हो जाएगा। उसकी जो खूबसूरती है ना, घर की जो रौनक है, वो पूरी रौनक चले जाएगी। जब है कोई कदर ही नहीं है, फ्री में मिले है ना, जब चले जाएंगे तब पता चलेगा। ईद आएगी पता चलेगा, अम्मी होती तो शेरखुरमा बनाती थी, सवैया बनाती थी, सुबह सुबह जो है रोटी बनाती थी। 8 बच्चे तो 8 बच्चे का नाम लेके, इसको ये चीज पसंद, इसको ये चीज पसंद, इसको पापड़ पसंद, इसको गोश्त पसंद, इसको दही पसंद, इसको अचार पसंद, नाम ले लेकर सबके अलग अलग खाने खिलाती थी। ये कब पता चलेगा? जब जाने के बाद। और जो लोग हयात में रिस्पेक्ट करते हैं वही लोग कामयाब भी होते हैं और अल्लाह की जो है बड़ी नजर होती है उन पर। बहुत सारे लोग जो कामयाब होते हैं ना, आप देखें जाकर उनका रवैया कैसे थे उनके पेरेंट्स के साथ में। आज सिर्फ ये लेक्चर याद ना रखें आप लोग जिंदगी भर ये चीजें याद रखें और वादा करें आज आप लोग अपने वालिदैन को कभी तकलीफ नहीं देंगे। आपके वालिद को मैं यहां स्टेज पर बुलाऊंगा और वालिद आंख में आंसू लेकर के, सीने में तकलीफ लेकर के आपकी शिकायत कर रहे हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे बदनाम कर दिया, और 1000 लोग हैं ऑडिटोरियम में, आपको अच्छा लगेगा कि आपके वालिद आपसे नाराज होकर के रो रहे हैं, परेशान हैं। कभी कोई लड़की अपने बाप को रोते हुए नहीं देख सकती। हाँ, मां रो रही है फिर भी दोनों सीने से जो है लपेट लेते हैं, मिल लेते हैं दोनों, अम्मी मत रोइए, अम्मी मैं हूं ना करके, लेकिन बाप सब्र करता है, बाप सब्र किया जाता है, सब्र किया जाता है, सब्र किया जाता है। लेकिन आजकल के जो बाप है वो भी हिम्मत हार चुके हैं, बच्चों की वजह से आंसू निकल आ रहे हैं उनके भी।
आप लोग इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से अपने कैरेक्टर को डेवलप करना सीखो, अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट करना सीखो।